एक घना जंगल था जहां हरियाली चारों ओर फैली हुई थी। इस जंगल में एक छोटी सी गौरैया रहती थी। उसका नाम था चुन्नी। चुन्नी बहुत शरारती थी। वह दिन भर पेड़ों की शाखाओं पर कूदती फांदती रहती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती थी। चुन्नी का एक खास दोस्त था जिसका नाम था कालू। कालू एक कौआ था। कालू बहुत समझदार और बुद्धिमान था। वह हमेशा चुन्नी की मदद करता था और उसे नई नई बातें सिखाता था। चुन्नी और कालू बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। वे हमेशा साथ में खेलते थे, चाहे वह बारिश हो या धूप। वे जंगल के हर कोने में घूमते थे और नई नई जगह खोजते थे। चुन्नी और कालू एक दूसरे की मदद भी करते थे। जब भी चुन्नी को कोई मुश्किल आती, कालू तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाता था। और जब भी कालू को कोई समस्या होती, चुन्नी भी उसकी मदद करने में पीछे नहीं रहती थी। वे दोनों मिलकर खाना भी खाते थे। चुन्नी और कालू जंगल में मिलने वाले फलों और बीजों को आपस में बांटते थे। एक दिन चुन्नी और कालू ने मिलकर एक सुंदर सा घोंसला बनाने का फैसला किया। वे दोनों मिलकर तिनके और पत्ते इकट्ठा करने लगे। जब उनका घोंसला बनकर तैयार हो गया तो वे दोनों उसमें आराम से रहने लगे। अब उनके पास एक सुरक्षित और आरामदायक घर था। चुन्नी और कालू की दोस्ती की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई। सभी जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। चुन्नी और कालू ने सभी जानवरों को सिखाया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और मिलजुल कर रहते थे। इस तरह चुन्नी और कालू की दोस्ती की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। वे दोनों हमेशा खुश रहते थे और जंगल में शांति और प्रेम का संदेश फैलाते थे। एक दिन बहुत धूप थी। चुन्नी और कालू खेल रहे थे। वो बहुत खुश थे। अचानक चुन्नी ने कुछ देखा। एक पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा था। देखो कालू, क्या है वो? चुन्नी बोली। कालू ने भी नीचे देखा। चलो देखते हैं। वो दोनों नीचे उतरे। वहां एक छोटा सा शीशा पड़ा था। धूप में वो बहुत चमक रहा था। चुन्नी शीशे के पास गई। उसने उसे छुआ। वाह, कितना सुंदर है ये, चुन्नी बोली। कालू ने कहा, ध्यान से चुन्नी, ये कोई खतरा भी हो सकता है। तभी एक जाल गिरा। चुन्नी उसमें फंस गई। चुन्नी, कालू चिल्लाया। चुन्नी डर गई। वो जाल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जाल में और उलझ गई। कालू, मुझे बचाओ, चुन्नी रोने लगी। कालू ने देखा कि चुन्नी मुसीबत में है। वो तुरंत उसके पास गया। घबराओ मत चुन्नी, मैं तुम्हें बचाऊंगा, कालू ने सोचा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे एक आइडिया आया। चुन्नी, तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूं। कालू उड़कर गांव की तरफ गया। कालू एक समझदार और चालाक कौआ था जो हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहता था। आज भी वह एक महत्वपूर्ण मिशन पर था। गांव के लोग उसकी बुद्धिमानी से परिचित थे और उसे बहुत मानते थे। वहां बहुत से लोग थे। गांव में एक उत्सव का माहौल था, लेकिन कालू का ध्यान किसी और चीज पर था। वह जानता था कि गांव में कुछ गड़बड़ है और उसे जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। कालू एक किसान के पास गया। ये किसान गांव का सबसे अनुभवी और समझदार व्यक्ति था। कालू ने सोचा कि अगर कोई उसकी बात समझ सकता है तो वह यही किसान होगा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। जब कालू उसके पास पहुंचा, वो उसके सिर पर बैठ गया। किसान ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कालू ने अपनी चोंच से हल्के से उसके सिर को छुआ तो किसान ने ऊपर देखा। उसे समझ नहीं आया कि कालू ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो उड़कर नीचे आया और फिर से सिर पर बैठ गया। कालू ने यह कई बार किया ताकि किसान उसकी बात समझ सके। किसान को अब यह अजीब लगने लगा था। कालू बार बार ये करने लगा। किसान को अजीब लगा। उसने सोचा कि शायद कालू उसे कुछ बताना चाहता है। किसान ने अपने काम को रोक दिया और ध्यान से कालू को देखने लगा। वो सोचने लगा, ये कौआ बार बार क्यों आ रहा है। किसान ने अपने दिमाग पर जोर डाला और सोचा कि शायद गांव में कुछ गड़बड़ है। उसने कालू का पीछा करने का फैसला किया, ये जानने के लिए कि आखिर यह चालाक कौआ उसे कहां ले जाना चाहता है। कालू किसान को जंगल में ले गया। किसान ने देखा कि एक गौरैया जाल में फंसी हुई है। उसे गौरैया पर दया आ गई। उसने जाल हटा दिया। चुन्नी आजाद हो गई। शुक्रिया, शुक्रिया, चुन्नी ने कहा। कालू और चुन्नी किसान के पीछे पीछे उड़ते रहे। किसान के जाने के बाद खेत में एक अजीब सी शांति छा गई। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में सुनहरी किरणें बिखर रही थीं।
खेत के किनारे पर एक पेड़ की शाखा पर कालू और चुन्नी बैठे थे। कालू ने चुन्नी से कहा, देखा चुन्नी, कितना खतरनाक था वो शीशा, हमें सावधान रहना चाहिए। शीशे की चमक ने हमें भ्रमित कर दिया था और हम लगभग फंस ही गए थे। चुन्नी ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ कालू, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे उस शीशे के पास जाने का फैसला किया। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, अब मैं समझ गई हूँ कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए, कालू ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो अब हम इस बात को भूल जाते हैं और फिर से खेलते हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मिलकर हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। वो दोनों बहुत खुश थे। कालू और चुन्नी ने मिलकर खेलना शुरू किया और उनके दिलों में एक नई समझदारी और दोस्ती की भावना जाग उठी। खेत में उनकी हंसी गूंजने लगी और आसमान में पक्षियों की चहचहाट ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और खेत में एक नई शुरुआत की उम्मीद जग रही थी। कालू और चुन्नी ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था, सतर्कता और समझदारी से ही हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। हमें भी हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए।